तो ये गौरी शंकर की पड़ोकिया दुकान है और ये काफी फेमस है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है वो मधेसिया स्वीट से हो रही है। और आज हम और फैसल भैया और सकीम भाई जा रहे हैं लोग थावे। थावे में एक रेस्टोरेंट है, किस नाम से है फैसल भैया? खाना खजाना के नाम से है और खाना मशहूर है, तो चला जाए और ट्राई किया जाए। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है सर। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं थावे, यहाँ से पटौना से 80 किलोमीटर दूर। हमें कुछ काम भी है और वहाँ एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, चलिए वहाँ का खाना ट्राई करते हैं। और वहाँ थावे में पड़ुकिया भी बहुत फेमस है, तो जब से जो सबसे ज्यादा फेमस पड़ुकिया दुकान है वो भी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं लोग कटकुइया पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में तेल लेने के लिए। और हमारी गाड़ी जो है वो डीजल कार है। बाल एकदम डिस्टर्ब हो गया है जिस वजह से ब्लॉगिंग करने में अच्छा नहीं लग रहा, आप देख सकते हैं। तो फैसल भैया मुझे एक हैट दिलवाने वाले हैं, क्यों? चलिए आइए। ये मेरे बड़े भैया और बहुत खर्चा करते हैं, तो देखते हैं कौन सा हैट दिलवाते हैं हमें। तो मिंटू भाई के शॉप से हमने ये हैट लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। अब थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भैया आपका हेड दिलवाने के लिए मुझे। अरे शुक्रिया क्या बाबू, छोटे भाई हैं, आपको थोड़ा सा फर्ज बनता है। तो ऐसे ही बड़े भाई का फर्ज निभाते रहिए। फिलहाल लिए हमें ले जा रहे हैं थावे पेट पूजा कराने। और अभी हम लोग हैं तमकुही राज, क्या नाम है, ब्रिज के ठीक नीचे। आपके सामने ब्रिज है, अरे हम लोग की गड्डी है, लाल चलते हैं। तो अभी हम लोग जो है यूपी से और बिहार में इंटर करने वाले हैं और ये बिहार का चेक पोस्ट है और अब हम लोग बिहार में आ गए। और यहाँ से हमें लग रहा है गोपालगंज लगभग 35 किलोमीटर की दूरी। हम लोग थावे रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और ये अपनी गाड़ी जो है वो पार्क हो चुकी है। चलिए चलते हैं, सबसे पहले यहाँ का जो फेमस पड़ुकिया है उसको लेते हैं, पहले खाते हैं। हाँ, पड़ुकिया खाते हैं फिर उसको घर के लिए पैक कराते हैं। स्टेशन यहाँ का काफ़ी खूबसूरत बना है, तो अभी इसके अंदर ले चल के आपको दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन का ये पीछे का नज़ारा है, थावे रेलवे स्टेशन है ये। और ठीक पीछे इसके जो है पड़ुकिया की दुकान है और गौरी शंकर नाम का जो यहाँ दुकान है वो काफ़ी फेमस है। चलिए वहीं ले चलते हैं आपको। गौरी शंकर की पड़ुकिया दुकान है और ये काफ़ी फेमस है। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया। आप हमको नहीं पहचान रहे होंगे लेकिन हम आपको पहचान रहे हैं। जब भी आपके बिहार से हमारे यूपी में कोई जाता है तो आप ही की दुकान से हम लोग पड़ुकिया मंगाते हैं। खाना हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। और ये एक खाने के बाद दूसरा लिए हैं और ये हमारा दूसरा डिश है। और पार्सल हम लोग का पैक हो रहा है और इनका आए हैं लोग तो पूरा ये भर के था और लगभग खत्म हो चुका है। तो यहाँ भर भर के पार्सल लिया गया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और ये है पड़ुकिया, ये है पड़ुकिया। चलते हैं इसको गाड़ी में रखने। हम लोग रेलवे स्टेशन से अब जा रहे हैं खाना खजाना रेस्टोरेंट की तरफ। और देखिए हाँ, हेरा गए हैं गूगल मैप पे भरोसा करके हम लोग, पता नहीं कहाँ किस यही मैप हम और पता नहीं किस गली कोचा में हम लोग अभी घूम रहे हैं।
ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कभी सीधर कोई किया सेल्टोस नहीं, नहीं होगी। सही बात है भाई। हाईवे पे निकल जाए क्या मेन रोड पे? मेन रोड जाएगा। हाँ मेरे तो है कलर कहा तो रास्ता ढूंढते ढूंढते हमें एक अच्छा रास्ता मिला है, शायद ये रास्ता हमें पहुंचा दे हमें अपनी मंजिल पे। तो यही वो जगह है जिसके लिए हम लोग इतना परेशान हुए और लगभग 20-25 मिनट से भटक रहे थे लोग। तो ये खाना खजाना रेस्टोरेंट है और ये देखने में ही काफी खूबसूरत लगता है। चलिए इसके अंदर देख चल के देखते हैं। फिलहाल चलिए चलते हैं इसके अंदर। काफी खूबसूरत इसको डेकोर करके रखा गया है। चलने से पहले पहले हाथ धुलते हैं क्योंकि फिर इसके लिए हमें आना पड़ेगा। क्यों फिर चलिए? हाँ हम लोग थोड़ा तेजी में रहते हैं भाई, तेजी में रहते हैं खाने के लिए। और दो पड़ो की हम खा लिए उसी का। भैया हमारा यहाँ आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं, हम लोग हेरा गए थे इसी वजह से आपको इतना ढूंढना पड़ रहा है। थाने रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे और एक खाना खजाना रेस्टोरेंट है और यहाँ अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको यहाँ बैठने के लिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट मिलने वाला है। चलिए आपको अंदर आगे दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा यहाँ बैठने के लिए अरेंजमेंट किया गया है और साथ ही साथ ऐसे ऐसे 3-4 यहाँ पंडाल बनाए गए हैं और अंदर AC की भी व्यवस्था है। आराम से वहाँ बैठ के धूप अगर है तो खा सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसको बनाया गया है। लाइटिंग सेटिंग ये रात में मुझे लग रहा है कि और ज्यादा खूबसूरत लग रहा होगा। और यहाँ अंदर जाने का मेन गेट है। ये क्या मंगा दिया साहब? लग रहा है चिकन का कोई आइटम है। भैया के सऊदी से आए हैं। भैया सऊदी से आए और हमें यहाँ बुला के दावत दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्टार्टर हम लोग का चल ही रहा था और खाना भी आ चुका है और ये टूट पड़े हैं सिकिन भाई। बटर चिकन और लॉलीपॉप हमने ऑर्डर किया है। चलिए इसको भी निपटाते हैं, देखते हैं कैसा है ये। खाते खाते हम लोग की हालत खराब हो चुकी है। क्यों भैया? इतना खिला दिए हैं कि अब खाने की इच्छा शक्ति जो है हमारी खत्म हो चुकी है। और आप खाएंगे क्या अभी? मुझे लग रहा है अभी आप और खा सकते हैं। हम खा सकते हैं लेकिन हमको आगे का फ्यूचर भी देखना है। तो खाने के बाद तुरंत इनको नेचर कॉल आ जाता है, इस वजह से फैसल ही हमारे खाने ही रहे हैं। और सकीम भाई फिलहाल सदा रहे हैं जो बचा हुआ है। और चलिए इससे निपटते हैं, इसके लिए काफ़ी मसला हुआ हम लोग के ग्रुप में। तो ये खाना खजाना का टॉयलेट है, बाथरूम है और यहाँ जाने से पहले आपको यहाँ अपने नाम से बुकिंग करानी पड़ेगी और फिलहाल यहाँ फैसल भैया के नाम से बुकिंग हुई है। तो अब आप जा सकते हैं, साहब जाइए और फ्रेश होइए। और हमारे फैसल भैया वो नेचर कॉल कभी भी आ जाता है तो इस वजह से हम लोग प्रिपेयर रहते हैं पहले ही। चलिए भैया। और फाइनली अब हम लोग का हो गया खाना पीना और जिनसे मुलाकात करना था मुलाकात भी हो गया है और हम लोग चलते हैं घर की तरफ। और आप लोग देखिएगा ब्लॉग, बताइएगा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। कल हम लोग घर आ चुके हैं और हमारे सामान की तस्करी चल रही है और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।